महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में कहां फंसी बात। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच कई सीटें हैं जहां एकनाथ शिंदे बीजेपी और अजीत पवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में आज शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच कई सीटें हैं जहां एकनाथ शिंदे बीजेपी और अजीत पवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में आज शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। राज्य में पहले चरण में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसी दिन से साफ हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सीट शेयरिंग पर कहां अटकी गाड़ी। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी महायुति के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी, एनसीपी या शिवसेना ने ना तो उम्मीदवारों का ऐलान किया है और न ही सीट शेयरिंग में ये साफ हो पाया है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। महायुति गठबंधन के अंदर अभी 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वो सीट है रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीट हैं। रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग सीट पर बीजेपी और शिवसेना दोनों ही दावा कर रही हैं। बीजेपी से नारायण राणे दावेदार हैं, जबकि शिवसेना से किरण सामंत भी टिकट चाहते हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। औरंगाबाद, ठाणे और पालघर सीट की अगर बात करें तो इन सीटों पर भी विवाद बना हुआ है। यहां नामांकन दाखिल करने की समय सीमा अलग अलग है। औरंगाबाद के लिए 25 अप्रैल, ठाणे और पालघर के लिए 30 मई आखिरी तारीख है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पर अपना दावा छोड़ने से इनकार कर दिया है। नासिक सीट पर बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी में पेच फंसा हुआ है। मौजूदा सांसद शिवसेना शिंदे गुट के महंत गौड़ से भी टिकट मांग रहे हैं। महायुति सीट शेयरिंग सूत्रों ने जानकारी दी है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला आखिरकार तय हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने जा रही है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना को 12 सीटें मिली है। अजीत पवार की एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महायुति गठबंधन में अभी तक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है।